हेलो गाइस, आज का वीडियो का स्वागत है आपका। तो मैं स्टीवन मनीष शर्मा दोस्तों, आज की वीडियो में दो लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ। जो लोग एक तो प्लस टू पास कर चुके हैं, ठीक है, जो आप कॉलेज जाना चाहते हैं या जिसको कॉलेज चेंज करना है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, आज की वीडियो में बात करने वाले दो कॉलेज की, एक संजौली और एक कोटशेरा, COE वर्सेस कोटशेरा, क्या अच्छा क्या बुरा ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये रिव्यू है, अपना एक सोच है, अपना एक फीलिंग है, तो इसको दिल से ना ले। पहली बात, पहला चीज कोटशेरा। दोस्तों कोटशेरा एक ऐसा कॉलेज है, अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो मुझे लगता है आपको संजौली जाना चाहिए, कोटशेरा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है कोटशेरा में पढ़ाई नहीं होती। दोस्तों कोटशेरा में स्टडी होती है, बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत अच्छी सब्जेक्ट्स है, बहुत सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है कोटशेरा में। लेकिन अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप संजौली जाइए, ये मैं कहूंगा, क्योंकि कोटशेरा में थोड़ा सा चिल ज्यादा है, थोड़ा सा फन ज्यादा है। कोटशेरा एक ड्रीम है दोस्तों, कोटशेरा एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। एक मूवी देखते हैं ना आप, तो आप मूवी में कॉलेज देखते हैं, तो एक ड्रीम कॉलेज जो होता है ना, वो कोटशेरा है दोस्तों। अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ना है, तो आप संजौली जाइए, क्योंकि संजौली में आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, आप और कुछ नहीं कर सकते, चाहे काफ़ी लोग इस बात को माने या ना माने। देखिए संजौली में क्या है, संजौली की पहली बात, वहाँ पे मिलता है परसेंटेज के आधार पर आपको एडमिशन, कोटशेरा में नहीं मिलता। कोटशेरा में आप एडमिशन ले सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा, लेकिन जब हम बात संजौली की करते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज के आधार पर एडमिशन मिलता है, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई करने वाले ही वहाँ पे होंगे, बाकी नहीं। और उसका लॉस क्या है, देखिए अगर पिछला साल 84% पे लोगों को एडमिशन दिया गया, ठीक है, तो 83 वाले को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या 83 वाला 84 वाले से बेटर नहीं है? पहली बात दोस्तों, नंबर से जज क्यों करते हैं, नंबर से जज किया क्यों जाता है, ये तो सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। पहली बात, अगर नंबर से जज करेंगे तो लाइफ खत्म है दोस्तों, क्योंकि 83 वाला 84 से बेटर हो सकता है? प्लस टू के नंबर के आधार पर आप कैसे किसी का लाइफ को जज कर सकते हैं, पहला चीज। संजौली का दूसरा जो मुझे पसंद नहीं, उनका इंटेंट, उनका सोच, मैं प्रैक्टिकली ये चीज को महसूस किया हूं वहां पे। लोगों को लगता है कि परसेंटेज आई है तो हम बेटर हैं, हमारे में टैलेंट है इसलिए हम यहाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। टैलेंट की तो बात ही नहीं है, उनमें तो कुछ है ही नहीं, पहली सीधी सी बात। सिर्फ नंबर से टैलेंट नहीं होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उनका जो सोच है वो वहां पे ऐसा बन चुका है कि हम है, हम ही है, इसीलिए उनके बायो में आप देखोगे COE लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है, होता है ना ब्रो। कोटशेरा वालों के बायो में कोटशेरियन क्यों नहीं, क्या उनको नहीं पता कॉलेज है उनका कोटशेरा? COE वालों को क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि उनका सोच है, उनको लगता है कि वो अलग दिखते हैं दूसरों से। अगर बात करें दोस्तों स्ट्रक्चर की, जो जितना संजौली का ऑडिटोरियम है उतना अपना कोटशेरा का रूम नंबर 301 है। पहली बात, जितना पूरा संजौली कॉलेज है उतना अपना एक ब्लॉक है दोस्तों, एक ब्लॉक है, ठीक है, एक सेक्शन है दोस्तों कोटशेरा का। तो स्ट्रक्चर वहां का नहीं, यहाँ का बहुत बड़ा है, चीजें एक है। अगर आपको थोड़ा सा शो ऑफ करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको शो करना है कि मैं बहुत बड़े कॉलेज में हूँ, तो कोटशेरा ज्यादा अच्छा है दोस्तों, दिखता अच्छा है, बढ़िया है, स्टडी है, एंजॉय है, सब कुछ है, और एडमिशन आपको 40% पे भी मिल जाएगी अगर आपको करना है तो। संजौली में आपको नंबर ज्यादा चाहिए, पहली बात तो ये, नंबर तो चाहिए होते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम है। वहाँ पे क्या है, संजौली में अब मौके किसको मिलते हैं, मौके मिलते हैं जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, जो उनके पास सिलेक्टेड है, पहले एडमिशन ही सिलेक्टेड है, उसके बाद लोग भी सिलेक्टेड है कि यही हमारा स्पोर्ट्स करेंगे, यही हमारा ड्रामेटिक्स करेंगे, यही हमारा सब कुछ करेंगे। लेकिन कोटशेरा में सब कुछ सेम मौके हैं, सब लोग ईजी हैं। जब होता है ना 40% वाला भी और 84% वाला भी जब साथ होते हैं ना, तो फीलिंग्स अलग होती है, तो एक सीखने को अलग मिलता है। अगर आप सिर्फ टॉपर्स को लेके जाएंगे तो क्लास बोरिंग हो जाती है, जो वहाँ पे होता है। कोटशेरा में नहीं, कोटशेरा एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करनी है तो संजौली जाइए। फिर से बोलूँगा, संजौली जाइए अगर पढ़ाई करनी है। दूसरा चीज़, कोटशेरा बदनाम क्यों है, अपनी लड़ाइयों की वजह से, फाइट्स की वजह से। दोस्तों फाइट का ऐसा सीन है, अगर आप खुद सही हैं, अगर आप खुद अच्छे हैं, तो आपको कोई नहीं छेड़ता, किसी भी फील्ड में नहीं छेड़ता, आपसे कोई बात भी नहीं करता। अगर आपको खुद गलत बनना है, खुद गैंगस्टर बनना है, तो दोस्तों आपके साथ भी गलत होगा। तो कोटशेरा अच्छा है, एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा है। संजौली मुझे नहीं लगता कि वहाँ एंजॉय हो सकता है,
क्योंकि होगा तो सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा, ऐसे तो नहीं होगा। वो सिर्फ स्टडी के लिए अच्छा है, माहौल अच्छा है, माहौल ऐसा अच्छा है कि क्लासेस लगती है, रेगुलर लगती है, बहुत अच्छे से लगती है, और आपका नाम भी काट दिया जाएगा। कोटशेरा में ऐसा नहीं है। तो अब बात करने वाले हैं गर्ल्स के लिए। दोस्तों गर्ल्स जा सकती है आरकेएमवी। आरकेएमवी शिमला बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा। और दूसरा कॉलेज क्या है, दूसरा है अपना सैंट ब्रिज। तो गर्ल्स के लिए वो भी एक ऑप्शन है, जिसको जाना है तो वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लाइफ को रियल सीखना है कि लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो आप ज़रूर कोटशेरा आइए। संजौली में आप एक माइंडसेट के साथ जाएंगे, एक इंटेंट आपके अंदर आएगा, जो काफी लोगों में, 90% लोगों में है। सीओई वाले, हम सीओई वाले हैं। तुमने किया क्या ब्रो, तुमने किया क्या, ये बताओ ना। तो यही चीज है, नंबर्स पे जज ना करें। अच्छा कॉलेज है कोटशेरा, बहुत अच्छा कॉलेज है आरकेएमवी, सेंट बिट्स और संजौली। स्टडी के लिए अच्छा है, माहौल अच्छा है, लेकिन अगर आपको एंजॉय करना है, क्योंकि कॉलेज मैक्सिमम एंजॉय करने ही आते हैं। अगर पढ़ाई करनी होती तो तुम नीट की तैयारी करते हैं ना ब्रो, कोई टेस्ट का तैयारी करते हैं ना ब्रो, कॉलेज क्यों आए हो, तुम एंजॉय करने आए हो। अगर तुम कॉलेज में भी स्कूल की तरह रहना चाहते हो तो तुम जाओ, अगर करना है एंजॉय तो आओ कोटचेरा, जय शंकर मार्केट। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताए, लाइक करे, शेयर करे। मैं रूम में था तो बना दिया, अच्छा लगा तो दिखा दिया, बुरी बात लगे तो आई एम सो सॉरी, कुछ नहीं कर सकता ब्रो मैं। जय हो।